हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मात्र 33 रुपए का शेयर, यानी कि 33 रुपीज ओनली, मैं कहूंगा लाखों में कमाई कराएगा ये शेयर। और सस्ता माल, बढ़िया माल। अगर आप देखोगे इसके बारे में और पढ़ोगे, डिटेल जानोगे, इसके जानने की कोशिश करोगे, तो इस शेयर के पीछे ITC हाथ धो के पड़ा। ITC, चलिए बात करते हैं कौन सा ये स्टॉक है, क्या डिटेल्स है, और सबसे बेहतरीन बात, इतना छोटा स्टॉक है और डिविडेंड भी देता है। और दूसरी बात, आज रिजल्ट आया है, डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट इतना बढ़िया कि पूछो मत। चलिए बात करते हैं, डिटेल में जानते हैं रिजल्ट को, डिविडेंड को, सारे पॉइंट्स को, फंडामेंटल, टेक्निकल्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आप खुद देखिए ये शेयर, आप पूरा ग्राफ देखिए, ये ग्राफ 2016 से लेकर अब तक है। 2016 में यही शेयर देखिए 7 रुपये का हुआ करता था, हाई बनाया इसने 57 रुपये के आसपास। और उसके बाद पहली बार ये नीचे आया था 12 जुलाई 2018 को, इसने अपने ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी जो टच किया था, अभी दोबारा फिर से ये उन्हीं लेवल्स पे, यानी कि 3350 के लेवल पे है। तो सस्ता माल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल पे है, ट्रेंड लेवल पे है। और ऐसे लेवल पे आने के बाद जब कोई गुड न्यूज आती है, और वो भी ऐसी गुड न्यूज कि भैया उछल रहा है तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और साथ में डिविडेंड तुम दे रहे हो, तो वो चीज इस शेयर में 4 चांद लगाएगी और वापस इस शेयर को इन लेवल से, मैं कहूंगा कि ये मान के चलिए कि 12 से 15 रुपए का शॉर्ट टर्म में जंप कहीं नहीं जाता। और ये 33 रुपए का जो 12 रुपए जंप है, यहाँ पे मान के चलिए 25 से 30% की एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से। आप खुद देखिए रिजल्ट और फिर आप कहोगे कि हाँ भाई बात तो है कुछ। अगर आप बात करते हैं पिछले क्वार्टर का और इस क्वार्टर का, तो टोटल इनकम 197 करोड़ से बढ़ के 201 करोड़ रही, और वहीं पे प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हो गया, यानी कि 55% का प्रॉफिट में जंप। अर्निंग पर शेयर जो 1 रुपया भी नहीं था, 98 पैसा था मात्र, वो 1.5 रुपया को क्रॉस करके 1.53 रुपया हो गया, ये भी बढ़िया है। अब आप पिछले साल मार्च क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, पिछले साल मार्च क्वार्टर में जो टोटल इनकम 184 करोड़ थी, इस बार वो 201 करोड़ हो गई है, और जो प्रॉफिट 15 करोड़ का था वो 32 करोड़ हो चुका है, तो डबल से भी ऊपर का प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर जो 74 पैसे था वो 1.53 रुपये हो चुका है, चलिए ये भी ठीक है। अब पूरे साल का लेखा जोखा देखते हैं वो कैसा है, तो पूरे साल के लेखा जोखा में देखिए प्रॉफिट डबल से ऊपर गया, मतलब पिछली बार 50 करोड़ भी नहीं था प्रॉफिट, इस बार 101 करोड़ का शो हुआ है। और अर्निंग पर शेयर देखिए, इतना छोटा सा शेयर है, देखिए 33 रुपए का शेयर और अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 5 रुपए के आसपास, तो मतलब आप खुद सोचिए किस तरीके से अर्निंग पर शेयर है। और ऐसा न्यूज देख के, ऐसा रिजल्ट देख के, क्यों शेयर आपको लगता नहीं कि शेयर इन लेवल से बढ़ के 45 रुपए तक जाएगा, आप खुद देखिए रिजल्ट। और साथ में दूसरी पॉजिटिव चीज देखिए, डिविडेंड, भैया 60 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मैं कहूंगा और भी बढ़िया भैया बात, 60 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर। उम्मीद थी, मैंने कई बार वीडियोस भी बनाए थे कि हाँ एक्सपेक्टेड है कि 60 पैसा 80 पैसा तक आ सकता है, 60 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब आप इस स्टॉक के थोड़ा सा डिटेल भी देख लीजिए, 700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है, नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर अब तक नाम नहीं बताया होगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये स्टॉक पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है। पेपर इंडस्ट्री का इतनी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी लेकिन देखिए 710 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, बुक वैल्यू 47 है। सबसे बेहतरीन बात और देखिए, ये अपने बुक वैल्यू से कम देखिए 13-14 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू के पास जाने की इसकी हिम्मत अब आ चुकी है इतने बढ़िया रिजल्ट के साथ। कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का डेट है और यहीं पे पी रेशियो 8 का है। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि काफी कम पी रेशियो है, मतलब हर 1 रुपये कमाने के लिए आपको मात्र 8 रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 4 से 5% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर जो 4 रुपए था, अब की डेट में आप देख लीजिए कि अर्निंग पर शेयर 5 रुपया हो गया, और भी बढ़िया मैं कहूंगा। अब इस स्टॉक की और डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न जानते हैं किस तरीके का है। 13 FII, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम, L&T म्यूचुअल फंड का अच्छा खासी होल्डिंग, सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेजर प्रोमोटर। और साथ के साथ एक इसमें हिडन न्यूज है, वो ध्यान रखिए, इस पेपर वाले बिजनेस को ITC यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी, ITC के बहुत सारा पेपर बिजनेस है, तो वो खरीदना चाहता, वो पीछे पड़ा है। सोचो अगर वहां पे कंफर्मेशन की मोहर लग गई और जो प्राइस सेट किया उन्होंने, ये 33 नहीं वो 70 रुपए के आसपास है, वो मोहर लगने के बाद ये शेयर ऐसा उड़ेगा देखिए जबरदस्त। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा उम्मीद करता हूं, रिजल्ट बताने की कोशिश करी, टेक्निकल्स बताए, फंडामेंटल्स बताए, और
डिविडेंड भी है शेयर में 60 पैसे का। सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करी, आप अपने तक मत रखिए, इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपनी राय स्टॉक के बारे में, डिफरेंट राय हो सकती है, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू इस शेयर के बारे में, रिजल्ट के बारे में और डिविडेंड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।